नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक CSEVLE हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आपको 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक एक कैंपेन करना होगा, एक अभियान चलाना होगा जो सभी VLE को करना है। इसके आपके पैसे भी मिलेंगे। तो आपको कौन कौन सा काम करना है आज के वीडियो में मैं बताऊँगा, और यह करना अति आवश्यक है। यह आपके लिए भी बढ़िया होगा और आपके समाज के लिए भी बहुत बढ़िया होगा, और समाज में एक अच्छा मैसेज आएगा, इसका पैसा भी आपको मिलेगा और आपका नाम भी होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि CSE की तरफ से सभी VLE के लिए क्या आदेश हैं, और 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक कौन सा कैंपेन, आपको कौन सा अभियान चलाना है। लेकिन इससे पहले, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से CSE के पल पल की खबरें मिलती रहती है, तो जो भी सरकारी योजना होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि आपको 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक कौन सा कैंपेन चलाना है। दोस्तों, इसे जानने के लिए आप CSE गवर्नेंस के ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है उस पर आ जाएंगे। आएंगे तो आपको एक पोस्ट मिलेगा, ये CSE गवर्नेंस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। इस पर जब आइएगा तो आपको एक पोस्ट मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, एक पोस्ट आपके सामने है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ दिया गया है, प्रपोजल फॉर स्वच्छ भारत कैंपेन थ्रू CSE February 1st to 15th 2020। यानी यह जो प्रपोजल है, यह जो प्रस्ताव दिया गया है, स्वच्छ भारत अभियान का है, जो आपको 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2022 तक चलाना है। ये सभी VLE के लिए अनिवार्य है। आप 1 फरवरी को क्या करेंगे, यहाँ दिया गया, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। दिया गया है, असेंबल सिटीजन एट CSE एंड इन्वाइट ए प्रोमिनेंट पर्सन इन द विलेज टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनेस एंड हाइजीन। आपको क्या करना है कि CSE पर नागरिकों को इकट्ठा करना है और गांव के एक प्रमुख व्यक्ति को स्वच्छता और स्वच्छता के महत्व के बारे में बात करने के लिए आमंत्रित करना है। यानी जो भी व्यक्ति, उनको स्वच्छता के बारे में बताने के लिए कहना है और आपको भी बताना है। जो प्रमुख होंगे गांव के, अगर वे बताते हैं लोगों को, तो ज़्यादा प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। यानी आपको भी बताना है और गांव के प्रमुख से भी कहवाना है कि स्वच्छता का क्या महत्व है। तो एक तरीको, आप सारे लोगों को एकत्रित करेंगे विलेज में जा करके, गाँव में जा करके, और प्रमुख जो होंगे उनसे स्वच्छता के बारे में सबको जानकारी दिलवाएंगे। और 2 फरवरी को आपको करना है। दूसरा जो अभियान आपका है 2 फरवरी को, वह है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गार्बेज हॉट स्पॉट्स इन विलेज एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान्स विथ विलेजर्स एंड अदर टेक होल्डर्स फॉर इलिमिनेट्स ऑफ सच गार्बेज एंड स्पॉट्स। आपको 2 फरवरी के दिन गांव में कचरा हॉटस्पॉट की पहचान करना है, और ऐसे कचरा हॉटस्पॉट को खत्म करने के लिए ग्रामीणों और अन्य हितधारकों के साथ योजना तैयार करना है। यानी आपको क्या करना है, गांव में जाना है और पता करना है कौन कौन सा गार्बेज का हॉट स्पॉट है, यानी कहाँ ज़्यादा कूड़ा कचरा है, उनको पता लगाना है, और पता लगाकर ग्रामीणों के साथ मिल करके उन्हें सफाई का एक अभियान चलवाना है। उनको बताना है कि इसे साफ कर दीजिए, और साफ करने से क्या फायदे होंगे इसके बारे में आप उन्हें बताएंगे। यानी प्रथम 1 फरवरी को आपको क्या करना है, स्वच्छता के बारे में बताना है, और 2 फरवरी को उन हॉट स्पॉट का पता लगाइए जहाँ अधिक कचरा है, उन कचरों को सफाई के बारे में सबको बताइए और साफ करने का करवाने का आप कोशिश करेंगे। 3 फरवरी का आपका काम है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डिस्पोजल्स इन स्कूल कॉलेज एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। आपको 3 फरवरी के दिन स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक कचरा निपटारा के बारे में जागरूकता पैदा करना है, और कॉलेज तथा अन्य शैक्षणिक संस्थान में भी ये अभियान चलाना है। यानी 3 फरवरी के दिन जो इलेक्ट्रॉनिक कचरे हैं उनके निपटारा के बारे में स्कूल कॉलेज और जो भी शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ जा कर के बच्चों को बताना है और समझाना है कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा कितना खतरनाक है व्यक्तियों के लिए। और 4 फरवरी के दिन है, थ्रो स्ट्रीट स्वाभिमान प्रमोट यूज ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स एमोंग्स वोमेन एंड इट्स प्रॉपर
डिस्पोजल्स एमॉन्ग वोमेन एंड गर्ल्स। चौथे दिन आपको क्या करना है, स्त्री स्वाभिमान के माध्यम से महिलाओं के बीच सैनिटरी नैपकिन और उसके उपयोग और महिलाओं और लड़कियों के बीच उसके उचित निपटारा के को बढ़ावा देना है, इसके बारे में उनको बताना है। यानी आपको 4 फरवरी के दिन महिलाओं और लड़कियों को सैनिटरी और नैपकिन के यूज़ के बारे में बताना है और उसके निपटारा के बारे में आपको बताना है। और 5 फरवरी को देख लेते हैं क्या करना है। यानी ये काम आप जरूर करेंगे, इससे समाज में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। 5 तारीख को कह रहा है वीएलई टू कंडक्ट साइकिल रैली टू प्रमोट क्लीनिनेस इन देयर एरिया। 5 फरवरी को आपको साइकिल रैली करना है वीएलई अपने क्षेत्र में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए साइकिल रैली आयोजित करेंगे। और साइकिल रैली आयोजित करेंगे जिसमें आप बहुत सारे साइकिल चलाने वाले व्यक्तियों को एकत्रित करेंगे और उनको साइकिल के माध्यम से सभी गाँव में जा करके स्वच्छता के बारे में भी आप लोगों को जागरूक करेंगे 5 फरवरी को। 6 फरवरी के दिन आपका वर्क है ऑनिंग टू कोविड पेंडेमिक्स वीएलई शुड क्रिएट अवेयरनेस एमोंग द विलेज टू मेंटेन्स पर्सनल हाइजीन यूज मास्क एंड सैनिटाइज देयर हैंड्स फ्रिक्वेंटली। यानी 6 फरवरी के दिन आपको क्या करना है, कोविड महामारी के कारण वीएलई को व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने, मास्क का उपयोग करने और अपने हाथों को बार बार साफ करने के लिए ग्रामीणों के बीच जागरूकता पैदा करना है। आप 6 तारीख को क्या करें, ग्रामीणों के बीच स्वच्छता पैदा करने के लिए एक अभियान चलाइए ताकि कोरोना महामारी से उनकी बचाव हो सके। और 7 फरवरी का वर्क है वीएलई टू कंडक्ट साइकिल रैली इनोवेटिंग्स चिल्ड्रंस एंड यूथ टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग क्लीन फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। एंड 7 तारीख का काम है स्वच्छ भोजन और पीने के पानी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वीएलई बच्चे और युवाओं को शामिल करते हुए साइकिल रैली का आयोजन करेंगे। इसमें स्वच्छ भोजन और पानी के बारे में आपको बताना होगा। और 9 फरवरी के दिन आपका वर्क है, 8 फरवरी का वर्क है ऑर्गेनाइज अवेयरनेस ड्राइव इन विलेज अराउंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोमोट यूज ऑफ कॉटन प्रॉपर बैग्स। यानी आपको क्या करना है, 8 तारीख के दिन प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के बारे में गांव में जागरूकता अभियान का आयोजन करें और कपास कागज की थैली के उपयोग का बढ़ावा देने के लिए लोगों को बताएं। इन लोगों को बताएं कि वो पॉलिथीन का उपयोग ना करें, ज़्यादातर वो क्या करें, कागज और कपड़े के थैली का उपयोग करें। इससे क्या होगा, प्रदूषण कम फैलेगा। और 9 फरवरी का जो आपका कैंपेन है वो है कंडक्ट क्लीनेस ड्राइव एट वाटर बोतल इन द विलेज पॉन्ड्स रिवर बैंक और टेंपल बैंक्स टैंक। तो दिया गया 9 तारीख को गांव तालाब के जलाशयों में स्वच्छता अभियान चलाएं, नदी किनारे या मंदिर के टैंक में किसी भी कूड़ा कचरे को न डालें, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना है। और 10 फरवरी का काम है सीएससी टू कंडक्ट वेबिनार्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन पर वेबिनार आयोजित करना है सभी सीएससी वीएलई को। तो आप ये काम जरूर करेंगे, इसके पैसे कितने मिलेंगे अभी क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन सभी वीएलई को इसका पैसा मिलेगा। जो जितने अच्छे काम करेंगे उनको उतना ही बढ़िया पैसा इसमें सीएससी की तरफ से प्रदान किया जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया काम है, इससे लोग भी जागरूक होंगे और समाज में एक अच्छा मैसेज आएगा। अतः इसमें सभी वीएलई जरूर भाग लें और ये काम करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वीएलई साथियों।